हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे जो कि आने वाली है मूवी ईद कभी दिवाली। दोस्तों, हमारे जो है सलमान खान की सबसे बड़ी मूवी है और जो है हमें डर लग रहा है और सलमान खान के फैन भी डरे हुए हैं। मैं तो अब जाके डरा, पहले नहीं डरा था लेकिन अभी डर लग रहा है। अभी बहुत टाइम बाकी है, इसलिए जो है हम लोग, हमारे सलमान खान के फैन और हमारे फैन और जो है टाइगर दबंग से निवेदन है और साजिद नाइडर वाले से निवेदन है, प्लीज फरहाद साम जी को ये डायरेक्शन मत करने दें, क्योंकि ऑलरेडी जो है पहले से बहुत मूवी का हम लोग ने ख्वाब देखा। अभी तक जो है बहुत मूवी, राधे मूवी भी इतनी खास नहीं चली और जो है अंतिम भी इतनी खास नहीं चली। अब हम ये नहीं चाहते ईद कभी दिवाली का कबाड़ा हो और उसका भी सत्यानाश हो, तो हमें नहीं चाहिए फरहाद साम जी, क्योंकि आप लोग ने देखा कि खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार का जो है क्या हाल कर दिया उन्होंने और जो है पूरा का पूरा एकदम बकवास उन्होंने जो है डायरेक्शन किया, सत्यानाश कर दिया मूवी का। हम लोग सोचे थे हाउसफुल जैसा डायरेक्शन उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए जो है इन्हें ज़रा ब्रेक दिया जाए और इन्हें हटा के मैं बोलता हूँ ईद कभी दिवाली के लिए अहमद खान को चुना जाए। साजिद नाइडर वाले से निवेदन है, आप देख रहे हैं कि अक्षय कुमार की मूवी का क्या कबाड़ा हो रहा है और क्या कलेक्शन हो रहा है, उसके ऊपर आप देख करके इन्हें जो है डायरेक्शन से हटाएं और जो है अहमद खान को लीजिए। अहमद खान ने बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन कर रहे हैं इस टाइम पे, वो सही हैं और सही लग रहे हैं। नहीं है तो फिर साउथ में जो है डायरेक्शन कर रहे हैं शंकर जो हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्शन किए उनको लीजिए, यही मैं बोलूँगा। सर प्लीज़ आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, अब मूवी का कबाड़ा नहीं करना है, क्योंकि टाइगर दबंग की मूवी है, इसलिए जो है फरहाद साम जी को डायरेक्शन से हटाया जाए। प्लीज़ आप भी जो है अपना नुकसान मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी देख रहा हूँ अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार की मूवी से आपको बहुत नुकसान हुआ है। अगर और नुकसान नहीं चाहते प्लीज़ फरहाद साम जी को हटाया जाए। बस इतना ही, ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।